अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल टू माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सो यस आज हर रमज़ान गुजर चुका है बहुत तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है आई होप आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे सो सो आज जिस वीडियो पर मैं याद करने जा रही हूँ वो है फजर नमाज से रिलेटेड कि हमें नमाज फजर की नमाज़ के बाद नमाज सोना चाहिए कि नहीं अगर सोते हैं तो सोने के क्या नुकसान है और अगर हम जागते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं तो सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है सो विदाउट एनी फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्टेड अल्लाह की एक बड़ी नेमत जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है अच्छी नींद खास तौर पर जब हमारा जिस्म कई तरह के कामों और तकान देने वाले तजुर्बा से गुजरता है तो तब एक आरामदेह बिस्तर पर लेटकर आराम करने का अलग ही मजा होता है नींद हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि हमारे जिसम को आराम की ज़रूरत होती है और हमारे जिसम में कुछ अमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ तब ही काम करते हैं जब हम सो जाते हैं इसलिए हर इंसान के लिए नींद जरूरी है ताकि जब वो सुबह सवेरे उठे तो ताज़ा दम होकर अपने काम में मशगूल होकर अपने काम को बखूबी पूरा कर सकें लेकिन बदकिस्मती से हम में से अक्सर ऐसे औकत में सोते हैं जिन ओकात में हमें सोना नहीं चाहिए और इन औकात में एक अहम वक्त फजर की नमाज के बाद सोना है ये वक्त ऐसा होता है कि पूरी रात अच्छी नींद के बावजूद एक इंसान इस खास वक्त में दोबारा सोने को तरजीह देता है हजरत अली की रिवायत है ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले तीन कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है नाहक खून बहने से है, वो गसल जो जिना के इरतक के बाद किया जाए और तलुए आफ्ताब से पहले सोने से हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम ने फरमाया फजर और इशनाक असर और मगरब और मगरब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो इस फरमान में बेशुमार तबीत पोशीदा हैं मसला आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कि कुरह अर्स पर फजर और अशराक के दौरान ऑक्सीजन की मकदार सबसे ज्यादा होती है हम अगर इस वक्त सो जाए तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं असर से मगरब और मगरब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है हम अगर इस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिसम ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम दस मोहलिक बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं दमा भी इन दस बीमारियों में शामिल हैं इसलिए आप ये औकात जा कर गुजारें तो आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे हज़रत आयशा रज़िला तला की मशहूर रिवायत है फिर जब मौज्जन फजर की आज़ान देकर खामोश हो जाता और फजर तुलू हो जाती यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व वाली वसल्लम खड़े होते और दो रकातें हल्की यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे यहाँ तक कि मोज्जन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्ला वसल्लम के पास आता तो आप नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते हैं फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आप व आलिहि वसल्लम इसलिए लेट जाते थे ताकि तमाम रात इबादत इलाही और नमाज में मशगूल रहने की वजह से जो तकान वगैरह पैदा हो जाता था वो थोड़ी देर आराम कर लेने से ख़त्म हो जाए और फ़र्ज़ पूरी चुस्ती और बशाशत के साथ अदा हो लिहाजा बेहतर ये है कि जो आदमी रात को इबादत इलाही और जिक्र वग़ैरह में मशगूल रहे उसके लिए फजर की सुन्नतें पढ़कर थोड़ी देर के लिए लेट जाना मुस्तहब है सैदा फातमा रजना तैनानहा बयान करती हैं मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूल सल अल्लाह वसलम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया और फिर फरमाया के उठो अपने रब की तरफ से रजक की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत अख्तियार ना करो अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब तक लोगों का रिजक तकसीम करता है हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग होते हैं जिनको रिजक की तंगी का सामना होता है अगर आप इन लोगों से पूछें कि सुबह किस वक्त जागते हो तो उनका जवाब भी यही होगा कि रात देर तक जाग सुबह देर से उठना होता है और यही वो वजह होती है कि रजक इन लोगों पर तंग कर दिया जाता है एक हदीस में है कि तुलुए फजर और तुलुए आफ्ताब के माबेन एक गड़ी है जिसमें बंदों की रोजी तकसीम की जाती है और जो तकसीम के वक्त हाजिर रहा वो गायब की मानंद नहीं हो सकता हदीस पाक में ये भी जिक्र आया है कि जो शख्स फजर के बाद सोने का आदि हो तो अल्लाह उसकी यादाश्त को ख़त्म कर देता है और बाज रिवायात में ये भी आता है कि फ़जर के बाद सोने वालों के लिए हलाल रिजक के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं इसी तरह कई लोग रमजानुल मुबारक में सहरी के बाद सो जाते हैं और इसी वजह से उनसे फजर की नमाज रह जाती है जो एक बहुत बड़ा नुकसान है और अगर नमाज के ज़ाया होने का ख़तरा ना हो तो कुछ देर सो जाने में कोई हर्ज नहीं ये भी याद रहे कि शहरी के आखिरी वक्त में खाना अफजल है अगर आदमी आखिरी वक्त पर सहरी का तो सोने की नौबत ही नहीं आएगी इसके अलावा अक्सर अफरा रमज़ान में सोने जागने की रोटीन ख़राब कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वो सारा दिन गनूदगी में रहते हैं अगर अवतार के बाद दस बजे सो जाए तो सहरी के लिए ढाई बजे उठने पर भी नींद पूरी हो सकती है और पूरा दिन आराम से गुजरा जा सकता है रोजा हमारे जिसम के लिए एक कुदरती सिस्टम है जिसके दौरान जिसम में फ़ायदा मंद खुलियात बन रहे होते हैं और ख़तरनाक बैक्टेरिया और माइक्रोब्स वगैरह जिसम से बाहर निकल रहे होते हैं इस दौरान जगर का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी काम करना शुरू कर देता है और इस सिस्टम को हाई फाइबर गज़ाओं फल सब्जियों और जिसम को हाइड्रेट रखने के जरिए तेज करना चाहिए इसके अलावा दस से बारह रोजे रखने के बाद जिसम में एक हारमोन रिलीज होता है जो ग्रोथ हारमोन कहलाता है ये जिसम को फिट रखने में मदद देता है आज माशरे का हर फर्द रिजक के बारे में परेशान है कमा कमा के तक जाने के बाद भी दिली सकून ना होने और जरूरियात के पूरा ना होने ने दिलो दिमाग को बोझल कर दिया है कहा जाता है कि फजर के बाद के छह घंटे इस्तेमाल करने वाले शख्स के दिन रोशन और पुरसकून होते हैं जबकि देर से उठने वालों के बोझल और नाकामियों से फजर के बाद के छह घंटों की मिसाल हमारी नौजवानी की है जिस तरह नौजवानी का दौर हमारी जिंदगी का बेहतरीन सलाहियतों से बड़ा खाबों को हकीकत बनाने का दौर होता है इसी तरह 24 घंटों की नौजवानी सुबह के ये छः सात घंटे हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं तुलुए आफ्ताब के वक्त जागने में ही सेहत सुकून और तरक्की का रास पोशीदा है अल्लाह हमको कुरान पढ़ने और कुरान पर अमल करने की ताकत अदा करें आमीन वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा मिलते हैं एक और मालुमाती वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह बहुत मतलब कोई बॉडी तो एक्टिव रहती है एंड ये जिस तरह से इसमें और भी बहुत ज्यादा दुनिया आखिर दोनों के ही बेनिफिट्स हैं सो ये दिस सो किसी भी चीज को इम्पलीमेंट करने में थोड़ी, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बिलीफ भी जब आप कोई चीज़ अल्लाह सुबहान तै के लिए कर रहे हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा खैर आ जाती है तो येस yes, अगर आप इसे बहुत से लोग अगर फज्र के बाद सो जाते हैं या फिर रात में लेट्स होते हैं तो मेक यू टू चेंज अ रूटी यू विल सी अ लॉ ऑफ बेनिफिट मैंटली फिजिकली एंड ऑल्सो यू विल सी अ बारका इन योर लाइफ So, मुझे सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि ये रमज़ान चल रहा है एंड ये इस रमज़ान में बहुत सारी दुआएँ कबूल होती हैं तो येसू डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सो येस आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफि मेला ब्लेस यू ऑल